मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन प्रेस क्लब सभागार में किया गया, जिसमें पैथोलॉजी की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट आयोग के गठन की मांग की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव रणजीत गुप्ता ने कहा, इस माध्यम से अपने तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चल रहा है। ये सारे आए दिन इन हम लोग को हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं, लेकिन अब संख्या पर देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उन लोगों का भी मनोबल गिरने वाला है। रंजीत कुमार गुप्ता, देखिए ये सम्मेलन नहीं है, ये एक हम लोगों की आप लोगों से वार्ता है। इस वार्ता के माध्यम से हम लोगों को, जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से मीडिया के माध्यम से ये जितनी पैथोलॉजी जो है लैब जो संचालित हो रही हैं उसको एक बदनाम करने का जो है संगठित जो है प्रयास हो रहा है, वह एक विशेष वर्ग के कहने पर जो है ऐसा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे जनपद के सभी लैब जो है फर्जी हैं, अवैध हैं, और वहाँ पे काम करने वाले लोग जो है अवैध हैं। वो टेस्ट लगाने वाला कौन व्यक्ति है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है? पैथोलॉजिस्ट तो हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब टेस्ट ही आपका अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप किस रिपोर्ट की जो है बात करते हैं, किस गुणवत्ता की आप जो है बात करते हैं? आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हो करके सीना चौड़ा करके जो है ये कहते हैं कि हमारे यहाँ गुणवत्तापूर्वक जो है रिपोर्ट जो है दी जाती है, लेकिन क्या आपके यहाँ मानक के अनुरूप लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं? 5 पास 8 पास लोगों को जो है रख करके लोग जो है काम कराते हैं और गुणवत्ता की जो है बात करते हैं। वहीं सरकार ने 21 मई 2018 को क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के माध्यम से जो है स्पष्ट जो है कर दिया है कि बुनियादी लैब चलाने के लिए जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है, और उनको यह अधिकार दिया जाता है कि वो अपने लैब का संचालन जो है कर लें। इस स्थिति में और अगर बड़े भी लैब हैं, मीडियम वर्ग के लैब हैं या एडवांस लैब हैं, वहाँ भी मीडियम में जो है 2 लैब टेक्नोलॉजिस्ट और एडवांस में जो है 4 लैब टेक्नोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके यहाँ टेस्ट सही नहीं लगेगा तो वह रिपोर्ट पर जो है डिजिटल सिग्नेचर और काउंटर साइन से वो रिपोर्ट की गुणवत्ता नहीं हो जाती है। और बुनियादी जांच इस देश में जो है मात्र 5,000 पैथोलॉजिस्ट हैं, आप परिकल्पना कर सकते हैं कि पूरी देश की पैथोलॉजी सेवाएं जो है कैसे दी जा सकती हैं। क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हमारी मांग है कि संशोधित क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2018 को जो है तुरंत जो है लागू किया जाए, और दूसरा कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का जो है एक काउंसिल जो है गठन किया जाए। इसकी मांग जो है काफ़ी दिनों से जो है चली आ रही है, 1970 से जो है इसकी मांग जो है चली आ रही है, और सरकार जो है इस पर जो है गंभीर नहीं है। इस स्थिति में किसी भी डिग्री को सही कह देना, गलत कह देना, हर स्टेट में ये प्रॉब्लम जो है आ रही है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द जो है MLT काउंसिल का गठन करें।